अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी? आप सबके उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब, मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर गर्मा गर्म कढ़ी खाएं ना, क्योंकि मैं बना रही थी और फिर मैंने सोचा इसको भी क्लिप डाल देती हूँ। चलिए, आपको ये आपके लिए स्पेशली, इससे मैंने इसका कुछ भी नहीं आपको दिखाया, सिर्फ रेडी दिखा रही हूँ आपको, ऑलमोस्ट डन है यहाँ पर। चलें जी, आप मेरे साथ कढ़ी इन्जॉय करें। असल में भाई, वेरी गुड। मुझे हंसी खुद ही आ गई है कि अब बच्चों के काम चेक करें ज़रा। यूट्यूब खुद सब कुछ सिखा देती है, ये पोइम्स वगैरह जितनी भी होती हैं बच्चे माशाल्लाह सीख जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर पंजाबी हों और पंजाबी पुलाव ना खाएं तो नहीं, ये हो नहीं सकता। और इस मसाले से मैंने ट्राई किया है सेकेंड टाइम, मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त पुलाव बन जाता है भाई। तो अगर आपने भी ट्राई करना है तो एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो नॉर्मल पहले ख़ुद से ही बनाती थी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ये सेकंड टाइम, लेकिन मुझे इसका ना मज़ा लग गया। जैसे कहते हैं ना, वो एक चीज़ का मज़ा लग जाना, वो सीन हो गया और ऐसे लगता है जैसे ना वो देख का पुलाव होता है। तो खैर जी, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म सा पुलाव भी रेडी हो रहा है और ये रहा इसके साथ ग्रीन चटनी, साथ में शामी कबाब और सैलड। मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, ऐसे ही बस लाइट से, साथ इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, लगता भी है लेकिन समटाइम जब आपका काम चोरियाँ का दिल हो ना, फिर ऐसे आप कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आदम साहब अपनी तरफ से स्विमिंग कर रहे थे, आहिल के ग्लासेस देखे उसने, उसने कहा मैं आपको स्विमिंग, और रिएक्ट भी फौरन, मतलब बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे पानी से बाहर निकल के आप अपनी आइज़ वगैरह साफ़ नहीं करते, वो वाला सीन कर रहा है। चलें जी, आदम को एक बड़ा स्पेशल इनविटेशन आया था उसके फ्रेंड की तरफ से और ये वहाँ पे इफ़ा उसको लेके जा रही थी। यहाँ पर रेडी हो गए दोनों, मैं आपको चेक करवाती हूँ। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड मेरे जा रहे थे दोनों बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। आदम को तो इनविटेशन था, इफ़ा को साथ ज़बरदस्ती का हो गया और इफ़ा ने मुझे फिर बताया कि काफ़ी अच्छी कंपनी उसकी मम्मा के साथ बन गई थी, उनका एक ही बेटा है और आदम के सेम नाम का ही उसका फ्रेंड भी है, क्लास फेलो है ये, छोटा सा आपस में क्लास फेलो ही है ना भाई। तो बस उन्होंने बड़ा स्पेशल आदम को इन्वाइट किया था। तो चलें जी, अगला सारा सीन अब जो इफ़ा ने रिकॉर्ड किया हुआ है वो अब सारा आप देखेंगे। अच्छा, पिछले आप एक क्लिप में आपने देखा होगा कि वलीफा को क्या बन गई है। इफ़ा अपनी सॉक्स लेने के लिए कमरे में गई है
तो वली साहब बस देखा उसको रेडी है जा रही है। खाम खा में बच्चों ने एक दूसरे को तंग तो करना होता है ना भाई। ये वो वाला सीन था जो मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड मारो। बच्चों का एंजॉयमेंट ये छोटी छोटी बातें फिर मतलब एक मेमोरी बन जाती है ना। चलें जी, वो तो अपना घूम फिर के बाहर से आ गए थे तो हम कैसे घर बैठ सकते थे, तो बस फिर हम भी निकलते हैं बाहर, इंजॉय करते हैं, देखते हैं। और ये बस अब सारी लाइटें शर्टें उतर जानी है, हम लोगों को ये काफ़ी रौनक लग रही होती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे होते हैं ना शादियों पे ये लाइट्स वगैरह सारी लगती हैं, तो यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ये सारा डेकोर होता है। और जब एक दफ़ा ये सब कुछ गायब होता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ना सब सन्नाटे हो गए हैं, सब सुनसान हो गया। लेकिन भाई ये तो होना होता है ना, फिर टाइम के साथ साथ जैसे का टाइम होता है वैसे चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे बाहर, इफ़ा ने अपनी फ्रेंड के नेल्स बनाने हैं, तो वो इफ़ा अपने खुद रेडी करती है, बनाती है, तो उसको मतलब अट्रैक्ट करती है ये चीज़ कि तुम खुद से बना लेती हो नेल्स। तो उसने कहा चलो तुम मेरे भी बनाओ। तो इफ़ा यहाँ पर चीज़ें इकट्ठी करने के लिए आई थी, तो इफ़ा अपनी शॉपिंग कर रही थी और मैं अपने आप को चेक कर रही थी यहाँ पर। यार मुझे इसका ये मेकओवर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा आपको भी साथ चेक करवाती हूँ। अच्छा, एसेंस का ये पैलेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, तो ज़रूरत नहीं थी मुझे, सारा कुछ इफ़ा लेके रखती रहती है। खुदी तो मतलब पुराना भी ज़्यादा कॉस्मेटिक होता जाए तो चीज़ें तो वही सारी होती हैं। उन्होंने एक सारा पैलेट इकट्ठा किया हुआ था जिसमें ये सारा वो बेस थी लाइट सी और साथ हाईलाइटर था ये वो। बहरहाल अच्छा लगा मुझे ना। और आदम साहब यहाँ पर ज़िद कर रहे थे जी मुझे कुछ लेना है, और चॉकलेट से मज़े की बात सुनाने की ये है कि ना चॉकलेट लेने का भी बहुत दिल था और वली का भी बहुत ज़्यादा डर था कि वली भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वली से तो मुझे डांट पड़ेगी, वली देख लेगा। चॉकलेट नहीं ली थी, फिर आदम ने निकलते निकलते चॉकलेट वापस रख दी कि नहीं मैं नहीं लूँगा ना। तो खैर जी फिर बाहर निकले थे और ऐसे ही बस ना हमें चलते फिरते, कोई ना कोई बंदा ये कहता है कितनी जल्दी निकले हो, घर वापस चले जाओ, घर वापस जाने का तो इतना मूड नहीं होता। और ये इफ़ा की सारी शरारतें होती हैं कि जो स्नैपचैट से करती रहती है, फिर वली को शेयर करेगी, वली फिर हंसता है। तो खैर आदम को तंग करना होता ना बेसिक। और यहाँ पर आप ज़रा बाइक चेक करें किस तरह की है। ये सारे फ्लावर्स आपके लिए, काफ़ी दिन से मैंने आपको फ्लावर्स नहीं दिए थे, आज हर बंदा ही मुझे नज़र आ रहा था जैसे ना आँखें खोल खोल के देख रहा है। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ ज़रा, आजकल गला इतना ख़राब हुआ हुआ है और सर्दी की वजह से ये होता है। और आजकल ना मुझे साथ में अचार बहुत पसंद आया हुआ है, बस दिल चाहता है कि मैं ना अचार खाती रहूं हर खाने के साथ। तो इतना ज़्यादा तो वैसे खाना भी नहीं चाहिए कि मुझे अपने हस्बैंड से भी डांट पड़ती है, फिर तुम्हारा गला ख़राब हो जाता है, अचार को बस कर दो। लेकिन ना बस कोई टाइम आ जाता है ना किसी चीज़ के लिए, तो ये भी टाइम था। तो यहाँ पे देखें इन्होंने इतना खूबसूरत अपने घर को ना बाहर से सारा डेकोरेट किया हुआ था, तो वो सही से कवर नहीं हो पाया। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट गाड़ी में होते ना, फिर ये होता है कोई ना कोई कार पीछे होती है तो जल्दी जल्दी स्पीडों में गुजरना पड़ता है। चलें जी फिर पिज़्ज़ा हमने लिया और पिज़्ज़ा लेके हम आ गए थे घर पर, क्योंकि ना बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा नहीं गाड़ी में नहीं खाना, घर लेके चलते हैं आराम से खाएंगे। और ये रहे जी हमारे चटपटे से नूडल्स। पिज़्ज़ा खाने के बाद बच्चों को ये हुआ कि हमें नूडल्स बना दें, थोड़ी देर गुजर चुकी थी, फ़ौरन फ़ौरन नहीं, तो बस फिर मैंने कहा मैंने भी नहीं खाए हुए हैं, मैं आप लोगों ने सारे पैकेट्स ख़त्म कर दिए हैं यार। चलें जी वीडियो का भी एंड करते हैं यहाँ पे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।